राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी उठापटक के बीच गहलोत और पायलट खेमा एक दूसरे के सामने आ खड़ा हुआ था। जहां विधायकों से एक एक करके बातचीत करने में विफल हुए, अजय माकन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अनुशासनहीनता कहा। वहीं गहलोत खेमे के विधायकों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया है और मांग की है कि जिन 102 विधायकों ने सरकार बचाने में सहायता की थी, उन्हीं विधायकों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव से ज्यादा इस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद सुर्खियों में है। सीएम गहलोत के पद छोड़ने की खबरों के बीच उनके गुट के विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी। गहलोत गुट के विधायकों का कहना है कि वह किसी भी हालत में पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। वहीं गहलोत गुट के विधायकों ने आलाकमान को सीएम पद के लिए 5 नामों की सूची भी भेजी है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, राजस्थान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा, हरीश चौधरी और भंवर सिंह भाटी का नाम शामिल है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता ने कहा कि राजस्थान की राजनीति संक्रमण काल से गुजर रही है। कांग्रेस का जन्म अंतर विरोध से शुरू हुआ था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि यह विरोध इतना लंबा चलेगा। आलाकमान के दूतों को सीएम गहलोत द्वारा बेइज्जत करके भेजा गया। राजस्थान की राजनीति संक्रमण काल से गुजर रही है। कांग्रेस की सरकार, जिसका जन्म ही अंतर्विरोध से हुआ था, पर अंतर्विरोध इतना लंबा चलेगा ये किसी को अंदाज नहीं था। अब पहली बार किसी राजनीतिक दल के आलाकमान के द्वारा भेजे गए दूत बेइज्जत होकर निकले हैं। आज तक कई बार कांग्रेस के शासन में परिवर्तन हुआ है कालांतर में, पर कभी भी आलाकमान के द्वारा पर्यवेक्षक भेजने के बाद उनके पास मीटिंग भी वो नहीं कर सके, विधायक दल की मीटिंग नहीं हो सके, इस प्रकार का मंजर कभी देखा नहीं गया। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने गुगली फेंकी है, मैं समझता हूँ ये उल्टी उन्हीं पर आकर पड़ेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच मची कलह से कांग्रेस के खिलाफ विरोधियों को हमला करने का मौका मिल गया। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि कांग्रेस वेंटिलेटर पे है और वह कभी भी दम तोड़ सकती है। वही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आप नेता ने कहा कि 2024 के चुनाव अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी ही होने वाला है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। जहां गहलोत खेमा बगावत पर उतर आया है, वहीं सचिन पायलट खेमे में अभी शांति है। इसके अलावा गहलोत गुट के विधायक काफी कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं और सियासी खेल के बीच पोलो ग्राउंड में अब असली खेल का भी मजा ले रहे हैं। बता दें कि पोलो ग्राउंड में मंत्री अशोक चांदना पोलो खेल रहे हैं, जबकि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री उदयलाल आंजना अन्य विधायकों के साथ गेम का लुत्फ उठा रहे हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक को लेकर कांग्रेस की गहलोत सरकार विपक्षी पार्टी के निशाने पर है। अब श्री गंगानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी असमंजस स्थिति में राजस्थान का नुकसान हो रहा है, इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ सकता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर बढ़ती सियासी उठापटक के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का एक बयान जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री पद के सवाल को लेकर प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में सियासी उठापटक बीजेपी के षड्यंत्र के कारण हो रही है। वहीं जो लोग घर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुड़ा ने विधायकों के इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुड़ा ने कहा कि जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उनका इस्तीफा स्पीकर को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह कोई इस्तीफा नहीं है, केवल नौटंकी है और इन विधायकों को आलाकमान का फैसला मानना चाहिए। ये सभी विधायक कांग्रेस के सिंबल पर विधायक बने।
बिना कांग्रेस के सिंबल पर कोई सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत पाता। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया है। आंजना ने कहा कि सचिन पायलट हमारे नेता है, उनसे कोई नफरत नहीं, लेकिन पार्टी आलाकमान जिसे भी अधिकृत करेगा हम उसके साथ हैं।